Hey guys, Heather Kazmi, Dania Kazmi. Welcome to an amazing video of this year's Indiriads. Well, आज इस वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं. उसका नेम है थगिश की ब्यूटी खान रोज द वर्स्ट कंटेंट. वेल, नाम से ही इतना फनी लग रहा है क्योंकि हम लोगों को काफी रिक्वेस्ट आती है थगिश की वीडियो के ऊपर रिएक्ट किया करो. तो मैंने हम लोगों ने आई गेस इससे पहले काम नहीं देखा है इनका. तो आज हमारे चैनल के ऊपर पहली बार हम इनका काम देखने जा रहे हैं. सो जो हमारे चैनल के ऊपर न्यू व्यूअर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें. सो यहाँ पर हम देखते हैं ब्यूटी खान का वर्स्ट कंटेंट. अच्छा, रोस्ट. ओ माय गॉड, मैंने तो अभी पढ़ा, यानी इसका मतलब है कि रोस्टिंग की गई है. सो यानी लेट्स प्ले द वीडियो. अच्छा, डिस्क्लेमर है. ओके. पाकिस्तान वाले टिकटॉक के वीडियो पे काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे. द स्पेस बिटवीन योर फ्रंट टीथ इज ऑलवेज डैशिंग एंड हैंडसम. थैंक यू. फ्रंट टीथ के गैप पे तो भाई क्या मरता. बंद करो सर, गिव अवे कर दो. अबे मैं गुजराती हूँ, क्या गिव अवे. लोग करो गिव अवे मेरे को. सर, ब्यूटी खान पे वीडियो बना. अच्छा, ये कैसा नाम है भाई. क्यूट ब्यूटी खान, ये सही है भाई. अपने बारे में जो सोचते हो वही अपने यूजर नेम में डाल दो. मैं भी लिखूंगा, लेट मी गेस, हाउस अनफनी थगेश. खुद का ट्राई, जोक्स नहीं आ रहे तेरे. थिंग इज माय फ्रेंड, ये जोक नहीं था, ये फैक्ट था. अगर आप सोचते हो कि एक टिकटॉकर, महज एक टिकटॉकर कितना डैमेज दे सकता है, तो इस बंदे ने अपना जहर तीनों प्लेटफॉर्म्स पे फैलाया है. यूट्यूब, टिकटॉक एंड इन टिकटॉक. चलो पहले पुराना वाला टिकटॉक. टिकटॉक बोलता है, दिल गलती कर बैठा है. फर्स्ट क्लिप एंड मेरे को अंदर से लग रहा है दिल गलती कर बैठा है ये वीडियो बना के. तो दीदी शायद अपने ऑडियंस को ही शाउट आउट दे रही है. दिल गलती कर बैठा है. मैं खुद आग हूँ. मुझे किसी से जलने की जरूरत नहीं है. मैं खुद आग हूँ. आपको नहीं समझा तो ये वीडियो का क्लाइमैक्स था. चार पांच लेयर के कपड़े पहनते हैं ना, तो उसको गर्मी बोलते. गर्मी से आग लग रही है, ऐसे आग नहीं है. आग तो हमारे में लग रही है वीडियो देख देख के. सिगरेट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उससे बनाने वाला इंसान बहुत अमीर है. शराब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसे बनाने वाला इंसान भी बहुत अमीर है. और खाना जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो इंसान जो उसे पैदा करता है वो आज भी बहुत गरीब है. कंटेंट इज नो इम्पोर्टेंट बट मेक रिच. इस पे मैं कुछ अपनी पंक्तियां ऐड करना चाहूंगा. टट्टी कंटेंट इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उसे बनाने वाला अमीर है. क्रिंज इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उसे बनाने वाला फेमस है. मेहनत करना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसे करने वाला आज भी गरीब है. बेबी ये देखो मेरे बिना मेकअप की फोटो. ओ विदाउट मेकअप. दीदी ने अपने पहले व्लॉग में बोला था कि शी डजंट यूज मेकअप. मैं ज्यादा मेकअप नहीं करती हूं. तो मैथ्स लगा कि कैलकुलेशन की जाए तो इनका बॉयफ्रेंड इनकी नॉर्मल फोटो देख के डर गया. दर्द क्या करे. दिस इज द लाइफ ऑफ अ टिकटॉकर. ओके. धक्का मुक्की नहीं. अगर आपको लगता है कि बंदे ने दीदी को फिजिकल अब्यूज किया है तो यू आर रॉन्ग. यू आर रॉन्ग. दीदी को धक्के खाना पसंद है. ओके, स्माइल देख रहे हो चेहरे पे. आपने तो हमेशा सुना ही होगा, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी. दीदी को धक्के खाना पसंद है, मजा आए. और मैं ये जो मजा है, तो शी इज डूइंग दैट. डीप होता है रे वीडियोस, तुम मगलू नहीं समझोगे. ये जो मेरे अलावा तुम पे मरते हैं, ये मर क्यों नहीं जाते. मारी क्या पाउडर से. क्या मतलब है, डैंड्रफ था. देखो भाई, मैं तो अपने बालों का बहुत ध्यान रखता हूँ. वैसे भी तुम लोग मेरे को तो आजकल मिस करते नहीं हो. मिस तो इस चैनल पे सिर्फ एक ही चीज होती है. तुम लोगों को तो मालूम है कुछ हो गया तो
केश वाला सरनेम पहले चेंज करना पड़ेगा। इसलिए नॉर्मली यूज मामा अर्थ का एप्पल साइडर विनेगर का है, जिसमें एप्पल साइडर विनेगर जो बालों के डैमेज को रिपेयर करता है, बालों को एक मस्त वाली शाइन देता है, एंड हमारे स्कैल्प का जो पीएच लेवल रहता है उसको बैलेंस रख के बालों को हेल्दी रखता है। देन इसमें बायोटिन जो कि बालों में केराटिन प्रोड्यूस करता है, बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं, हेयर फॉल रिड्यूस करके हेल्दी हेयर प्रमोट करता है। देन इसमें मिल्क प्रोटीन जो पार्ट प्ले करते हैं कीपिंग योर हेयर थिक, बालों को नरिश्ड एंड कंडीशन रखता है। बेसिकली आपको मिलेंगे लॉन्ग शाइनी सॉफ्ट हेयर, एंड ये सारे हेयर टाइप्स के लिए सूटेबल है, मतलब जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सबके लिए सूटेबल है। एंड इसके साथ यू कैन यूज एसीवी शैम्पू एंड कंडीशनर फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, मतलब घर पे ही पूरा हेयर स्पा हो जाता है, पहले हेयर मास्क देन उसे शैम्पू से धोकर एंड देन यूज द कंडीशनर, डैमेज बालों को रिपेयर करके बालों को डिटॉक्सिफाई करेगा। एंड ट्रस्ट मी ये शैम्पू की फोमिंग एंड फ्रेग्रेंसेस चुमेश्वरी, एंड एवरी परचेज यू मेक फ्रॉम मामाअर्थ, मामाअर्थ उसको लिंक करता है एक ट्री से जो वो प्लांट करते हैं टू कंप्लीट देयर मिशन ऑफ प्लांटिंग 1 मिलियन ट्रीज टिल 2025, एंड उस ट्री को आप ट्रैक भी कर सकते हैं अपने ऑर्डर आईडी से। एंड न्यू डिस्काउंट्स एंड अर्ली सेल्स एक्सेस के लिए यू कैन यूज मामाअर्थ का ऐप, वेयर यूज माय प्रोमो कोड thakesh2021 टू गेट एक्स्ट्रा 20% ऑफ वैलिड ऑन mamaearth.in, एंड द प्रोडक्ट्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन Amazon एंड Flipkart, सो डू चेक देम आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। What we do, जब आप TikTok बना रहे हो और आप गाने की लिरिक्स भूल जाते हो। You have one job, normal सा काम करने का है। गाना बज रहा है, सिर्फ उसके ऊपर गाना गाना है, वो भी याद नहीं हो रहा है, पढ़ाई कर ले। नहीं नहीं भाई, बाय हार्ट करने में अच्छे होते तो पढ़ाई कर लेते ना। क्या छुपी है भाई, इसको बोलते हैं खुद को छुपाना। मैं खुद को छुपाऊं, इससे अच्छा छुपने का काम ना मिथुन दा ने गोलियों से बचने के लिए साइकिल के पीछे छुप के किया था। नहीं नहीं सही है, टिकटॉकर लोग को आना चाहिए छुपना, कभी भी मार भी खा सकते हैं। अब तुम ये मुंह सुझा के रखोगी कि चलोगी, हमें देर हो रही है। नहीं जाना, मैं जा रहा हूँ। जहन्नुम में जाएं? फिर तो मुझसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है वहाँ पे। आओ चलो तुम्हें छोड़ दूँ। प्यार हो तो ऐसा गाइस, देखा प्यार के लिए लड़की को वो नरक में छोड़ने जा रहे हैं। देखो मत लेके जाओ, नरक में ऑलरेडी टॉर्चर कम नहीं है, उधर लोगों को तुम्हारे टिकटॉक दिखा के टॉर्चर करेंगे, और मेरे को ऐसे टॉर्चर नहीं होना भाई, हम रोस्टर लोग तो पहले नरक में जाएंगे। साला इसके टिकटॉक देख के ना वो शैतान भी नरक से भाग जाएगा। मेरा सरकार से निवेदन है कि बेटी बाद में बचाइए, पहले बेटा बचाइए, ये लड़के टिकटॉक पे लड़की बने जा रहे हैं। वो एक और टिकटॉकर जिसने फ्रेंडली फायरिंग चालू किया, दीदी ने देखा रहेगा यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक चालू है, सब लोग पड़े टिकटॉक के लड़कों के पीछे। ए मिनरल, देख भाभी मिल गई। नाटक करने का अच्छी तरह को निगलो मत, गुटका नहीं कर रहता हूँ, मेरे को कैसे मालूम? ये फंस गया सी। तेरा ब्रेकअप हो गया? हाँ भाई, इतने से बात पे। कौन सी बात पे? इतने से बात पे। हाँ भाई, कौन सी बात पे? इतने से। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, कौन सी बात पे? अबे गर्लफ्रेंड को किस कर रहा था, थोड़ी सी खैनी चली गई उसके मुंह में। अनदर रीजन क्यों ये गुटका खैनी से दूर रहना चाहिए। पान मसाला गुटका खैनी आपके स्वास्थ्य के लिए हानि, कृपया इसका सेवन ना करें। ये लोग को इतना गुटका पसंद है कि एक बार खाने के बाद थूकने का ही नहीं है, डायरेक्ट गर्लफ्रेंड के मुंह में। अगर सुनने वाले को सब्र आ जाए ना तो बोलने वाले की औकात दो कौड़ी की हो जाती है। वही तो मैं बोलता, अगर हम लोग तुमको रोस्ट करते हैं तो सुन के ले लो, रिप्लाई मत करो उसका। और अलग तरीके से दूंगा, एकदम अलग तरीके से दूंगा, एक ही जवाब दूंगा, सबकी बजाऊंगा, एक की बजाऊंगा, एक जवाब। मैं कैसे हर चीज को रिलेट कर लेता हूँ ना। अरे वाह, धोनी भैया और ब्यूटी दीदी का कोलैब, मतलब IQ। देखो टिकटॉकर का इस दुनिया में क्या काम है, ट्रांजिशन करना, वो भी नहीं करने का। कुर्ता पजामा काला बोल के ना ही आया काला कुर्ता, ना आए कपड़े काले, दिन का 100 वीडियोस डाल के क्रिंज का कोटा पूरा करना है, व्यूज जो हमको लाने। अच्छी लगता है मुझे कोरू हो गया है। कोरू? ये कोरू क्या है? कोरोना को प्यार से मैं कोरू बोलती हूँ।
जैसे हम इंसान एक दूसरे को प्यार से सोनू मोनू, ये बीमारियां भी दूसरी बीमारियों को कोरू ब्लैक फंगू, वो भी लोगों की जान के हाथ खिलवाड़ कर रहे, ये भी लोगों की जान के हाथ खिलवाड़ कर रहे। ये होता है स्कूल ना जाने का नतीजा। कैप्शन देख रहे हो, मैं गिर जाती, एरोप्लेन से बिना पैराशूट के कूदेगी, मर जाती, पाँव ऊपर, पाँव ऊपर कर लिया। You are under arrest. चुपचाप हाथ ऊपर कर दे। पहले प्रॉमिस करो कि गुदगुदी तो नहीं करोगे। That's right. The truth is revealed. क्यों क्यों पुलिस स्टेशन में से आवाजें आती हैं? पुलिस वाले उधर गुदगुली कर रहे होते हैं। Are you comedy me? मेरे को तो इतना गुदगुली होता है, कल को पुलिस स्टेशन में गए ना, तेरे दिन स्टेटमेंट में यही लिखेंगे, कन्फेस अंडर द गुदगुदी एक्ट। मैं तो वेट करो कब पुलिस इसके वीडियोस यूज करेंगे टॉर्चर के लिए। दिन ब दिन सेवेज होते जा रहा है, सेवेज। ये मुझे ये वाला बड़ा क्रिंज म्यूजिक है यार, कसम से मैंने चेंज कर दिया। सभी टिकटॉक बैन के बाद क्या है, इंसानी भाषा में लिपसिंग थोड़ा कम हो रहा है, तो बिल्लियों का लिपसिंग कर रहे हैं। वैसे भी मैडम हर वीडियो में बिल्ली ऐसी अपनी जीभ बाहर निकालती थी। उनका यूट्यूब चैनल भी देखते हैं, यूट्यूब चैनल पे क्या होता है, व्यस्त रह जाते हैं, मतलब बिजी हो जाते हैं, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था करने का, तो मैंने खुद से लगा के सीख लिया कि मैं बड़ी बात नहीं है, फिर मैं आपको बता देती हूं। इतना फास्ट क्यों जा रहा है? दीदी को लगता है शॉर्ट फॉर्मेट की इतनी आदत है, व्लॉग ही पूरा फास्ट फॉरवर्ड में। आपको कैसे पता, आपको पता नहीं है? दीदी को मालूम नहीं है वीडियो लंबा करने के लिए लोग यहाँ पे क्या क्या करते हैं और आप शॉर्ट में लगता है। You don't know that dear। क्योंकि भगवान भी नहीं चाहता है व्लॉग्स बनाए। भगवान केयर्स अबाउट पीपल। बाहर का मौसम बहुत बुरा है, ये जो स्टैंड होता है ना ब्लैक कलर का, वो एक मैंने लगा दिया और दूसरा वाला लगाने गई तो वो मेरे हाथ से टूट गया। वो काम मुझसे होता ही नहीं, अच्छा काम होता ही नहीं मेरे से, मुझे पता नहीं क्यों। समझो इशारे, पूरी कायनात आपको कंटेंट बनाने से रोक रही है, प्लीज अंडरस्टैंड। और अगर आपको लग रहा है कि ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड, नहीं मैंने नहीं किया, ये व्लॉग ही फास्ट फॉरवर्ड है। वो लोग पोस्ट कर दिया, उसी में बवाल मच गया, ऐसी है ओरिजिनल, ऐसी है, मैं ऐसी ही दिखूंगा। वो ट्राई किया यूट्यूबर बनने का, दो वीडियो बनाए लेकिन फिर I feel that's it for today. सालो तुम लोग के लिए करता हूँ, मेरे को शौक नहीं है, सब्सक्राइब करो चैनल को, ओके? एंड डू कमेंट अगर आपको वीडियो पसंद आया पहले 30 मिनट्स में, जिसके भी कमेंट्स आते हैं, आज 30 मिनट गैंग एक्टिव चाहिए मेरे को। एंड यू कैन फॉलो मी इंस्टाग्राम @MaheshKeshwala, जस्ट 10 मिलियन के बहुत करीब है हम लोग इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे फॉलो करते हैं। And don't forget to check out Bamar, the link is in the description. And पिछला वीडियो अगर नहीं देखा पाकिस्तानी टिकटॉक्स पे तो देख लेना। That's it for today guys. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस। Well, अच्छा रोस्ट किया है। मेरे जहन में ये था ना कि यार कि रोस्ट है तो क्या होगा, बट इसने बहुत ही डिसेंट वे में रोस्ट किया है, कोई इसमें हम ये नहीं कह सकते, इसने पर्सनल अटैक तो बिल्कुल भी नहीं किया है, लेकिन इसने जो प्रोफेशनल रोस्ट किया उसमें भी इसने बहुत हद तक अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखा है। हाँ। इसने गालियों का यूज नहीं किया, इसने डुअल मीनिंग बातें नहीं की है, मतलब इसने ऐसा अच्छे तरीके से रोस्ट किया ना कि कोई छोटा बड़ा बूढ़ा जवान सब समझ जाए। हाँ। कोई डुअल मीनिंग हिडन वर्ड्स नहीं यूज किया। मुझे अच्छी रोस्टिंग लगी है, डिसेंट रोस्टिंग लगी है। ये वो रोस्टिंग है जो अपनी फैमिली के साथ बैठ के भी देख सकते हैं विदाउट हैंड फ्री, क्योंकि ये ना मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता, लेकिन ये वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी है। इस तरह की रोस्टिंग आई अप्रिशिएट इट, और मुझे ये उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा लगा। इससे मोस्टली लड़की से ज़्यादा ब्यूटी खान से ज़्यादा अपने आप को रोस्ट किया है कि ना मेरा IQ लेवल तो बिल्कुल अनफनी वीडियो है, मेरा IQ लेवल ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार कि मतलब एक फनी वीडियो थी इसको। मुझे रोस्टिंग से ज़्यादा फनी वीडियो लगी थी, रोस्टिंग मुझे कम लगी थी, क्योंकि इससे मैं इससे जिसकी की रोस्टिंग की ना वो भी खुश हो रही होगी यार कैसे कैसे पॉइंट छोटे छोटे हाईलाइट किए हैं, मतलब मजे की चिल वीडियो थी। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है? मेरा भी यही है कि मतलब सही रोस्ट किया उसको। मुझे अच्छा लगा दीदी खुश हो जाती है, तो यार अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसने हाईलाइट किए हैं। तो बीच में सब हेयर की बात हुई ना, हेयर प्रोडक्ट, और आज मेरे बाल भी बड़े खराब हुए, तो गर्मी यहाँ पर इतनी ज्यादा है ना, इवन AC लगा हुआ है और AC में भी पसीने निकल रहे हैं, ये नहीं समझ आ रहा, पता नहीं क्यों इतनी इस्लामाबाद में गर्मी हो गई है। पर अगर आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ पे गर्मी है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं, इस
वीडियो के बारे में भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, अपना ओपिनियन हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें, इस वीडियो को भी शेयर करें चाहे व्हाट्सएप मैसेंजर स्नैपचैट जो मर्जी करें, और जो हमारे चैनल के ऊपर न्यू व्यूअर्स आए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यस हो गया और लाजमी। सो गाइस मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उस तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके टेक केयर।